जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित चंद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के लगभग 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, एमपी टेट वाले, रीट वाले या फिर सीटीईटी एग्जाम वाले। ठीक है, सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और जो भी साथी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना है। बेल आइकन को दबाने के बाद आपको ऑल क्लिक करना है जिससे ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल का नाम है और इस पर आप क्लिक करेंगे, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत आदि सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का वीडियो। मूलतः परिवार के कितने प्रकार होते हैं, आपको आकार के आधार पर परिवार के प्रकार बताना है, प्रश्न क्रमांक एक। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, दो। मूलतः या आकार के आधार पर जो परिवार के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। मानव रुधिर वर्ग की खोज बताना है, प्रश्न क्रमांक दो का उत्तर, किस वैज्ञानिक ने की थी। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, लैंडस्टीनर ने। ठीक है, नेक्स्ट, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग उत्तर बताएंगे, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा सिरा विन्यास। ठीक है, सिरा विन्यास। अगला है दोस्तों, एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है, प्रश्न क्रमांक चार। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, आंसर होगा फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, प्रश्न क्रमांक पांच। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1973 में। ठीक है, 1973 आपका बिल्कुल सही है। किस वर्ष एजेंडा 21 शुरू किया गया, एजेंडा 21 किस वर्ष शुरू किया गया, प्रश्न क्रमांक छह का उत्तर बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1992 में। ठीक है, 1992 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। ताप, मृदा, प्रकाश किस घटक के अंतर्गत आते हैं, मृदा के। तो प्रश्न क्रमांक सात, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, आंसर होगा भौतिक, भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है, कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक आठ। तो आपका बिल्कुल सही क्या होगा, जोई, कंगारू के बच्चे को कहा जाता है जोई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी जो गैस है वो अवशोषित की जाती है। तो पादपों के द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रश्न क्रमांक नौ का उत्तर बताना है, और नौ का आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, प्रश्न क्रमांक दस का उत्तर बताना है आपको, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पारिस्थितिकी में, किसमें किया जाता है, पारिस्थितिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिपको बूमेन के नाम से किसे जाना जाता है, प्रश्न क्रमांक 11। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गौरा देवी को, चिपको बूमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रश्न क्रमांक 12। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकना ये मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु, विषाणु के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर बताना है आपको। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, नाइट्रेट।
अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी प्रदूषण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमें बताना है। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नाभिकीय प्रदूषण। ठीक है, नाभिकीय प्रदूषण के नाम से रूप भी जाना जाता है। रेडियो धर्मी पदार्थों से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है? प्रश्न क्रमांक 16, रेडियो धर्मी पदार्थों से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अल्फा बीटा गामा विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हमें बताना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह जो कथन है वो अरस्तु साहब का है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 27 सितंबर को। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है तो कौन है प्रथम? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पौधे। खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन है? पौधे। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधनों के तीन उदाहरण बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधनों के तीन उदाहरण है। नेक्स्ट है, वसा का जल अपघटन किस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में जो है होता है? तो आपका राइट हो जाए लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अगला है, भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 22, भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 23, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैथीन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये पूछी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृक्षों का अध्ययन, प्रश्न क्रमांक 24, तो वृक्षों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी। कायम किया जाता है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रश्न क्रमांक 25, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, विटामिन सी के तीन स्रोतों के नाम बताइए? प्रश्न क्रमांक 26, विटामिन सी के स्रोत बताना है और उत्तर होगा आंवला, संतरा और नींबू, ये विटामिन सी के तीन स्रोत हैं। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 2002 में, तब राइट आंसर रहेगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तालाब, तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। नेक्स्ट है, नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए संपूर्ण विश्व में कौन सी जो है किस किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है इस प्रकार से नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए? तो वो लिपि सभी को पता है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, 29 का। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वे पक्षी कौन कौन से हैं? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर बताना है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वे पक्षी कौन कौन से हैं? तो चील, बाज और गिद्ध, ये तीनों पक्षी मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईबीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयोग होता है, तो किस अर्थ में प्रयोग होता है? 31 का आंसर बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है? औपचारिक है या फिर अनौपचारिक?
32, उत्तर बताना है। परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है? तो उत्तर सही हो जाएगा अनौपचारिक साधन। ठीक है, अगला है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बताना है, प्रश्न क्रमांक 33। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये मुख्य कारण माने जाते हैं अम्लीय वर्षा के। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 34 का आंसर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी का टीका ये दिया जाता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी से। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 37। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर को। ठीक है, अगला है वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तब राइट आंसर होगा बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? 39 का उत्तर, सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1972 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 41 का आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? नागपुर, महाराष्ट्र में। मलेरिया का परजीवी है तो कौन सा है मलेरिया का परजीवी? प्रश्न क्रमांक 42। और राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम, मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू हुई? खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू हुई भारत में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 अगस्त 2013 को। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक विकास विकासवाल योजना किस वर्ष अपनाई गई? पर्यावरण से संबंधित है विकासवाल योजना, ये किस वर्ष अपनाई गई? तो 44 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1980 में। कब अपनाई गई? 1980। सिंगाड़ा किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? 45 का उत्तर बताना है, सिंगाड़ा किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वांगी कारक, स्वांगी कारक जड़ का उदाहरण है सिंगाड़ा। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हार्टिकल्चर, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? पुष्प उत्पादन, फल फूल और साग सब्जी बाग लगाने का जो है अध्ययन किया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? 47 का आंसर बताना है। और राइट आंसर होगा 1992 में। कब हुआ था? 1992। नेक्स्ट है, हल्दी अदरक तने का रूपांतरण है जिसे क्या कहा जाता है? हल्दी अदरक ये तने के रूपांतरण है जिसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों प्रकंद, क्या कहा जाता है? प्रकंद। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस। भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? प्रश्न क्रमांक 50। तो राइट आंसर होगा 2001 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन की जो स्थापना हुई वो 1978 में, ठीक है, 1978। जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 52। तब बिल्कुल सही है आंसर आपका स्वपोषक या फिर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। बादल, आंधी और वर्षा जैसी सभी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, तो कहाँ घटित होती हैं? बादल, आंधी और वर्षा जैसी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो कहाँ घटित होती हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 54, बरगद के पेड़ में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अवस्तंभ जड़ें, ठीक है, अवस्तंभ जड़ें पाई जाती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 55, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन, ओजोन लेयर से। वन संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च। नागोया प्रोटोकॉल 2010 और कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 और कार्टाजुना प्रोटोकॉल 2000 संबंधित है, तो ये संबंधित है जैव विविधता से। अगला क्वेश्चन, लगातार पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? 58 का आंसर, लगातार पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? 58 उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तिब्बत की सांगपो को भारत में किस नाम से जाना जाता है? 59 का उत्तर बताना है और राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट के रेगिस्तान और सघन वनों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर होगा अर्ध शुष्क क्षेत्र, क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं? तो वो पहाड़ी कौन सी है जिसमें एक दूसरे से मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट? तो राइट आंसर है बिलिगिरी रंगा पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन देख लेते, भारत के महान मैदान की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गंगा का मैदान। नेक्स्ट, स्वीडन में किस संस्थान का आदर्श वाक्य है ब्रीजिंग साइंस एंड पॉलिसी? किस संस्था का आदर्श वाक्य है ब्रीजिंग साइंस एंड पॉलिसी? तो प्रश्न क्रमांक 63 और 63 का स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान का। बंजर भूमि को कृषि भूमि बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 64, बंजर भूमि को कृषि भूमि बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ग्रेडोनिज, ग्रेडोनिज प्रयोग किया जाता है। फिल्टर का उपयोग करके पानी को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिल्टर का उपयोग करके पानी को साफ करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा शोधन, क्या कहलाती है? शोधन। नेक्स्ट दोस्तों, फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल वा अन्य कणों को अलग करने की प्रक्रिया विधि क्या कहलाती है? फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को जो है अलग करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? प्रश्न क्रमांक 66 और उत्तर होगा निस्पंदन, क्या कहलाती है? निस्पंदन। ओजोन के प्रत्येक परमाणु में कितने ऑक्सीजन कण होते हैं? ओजोन के प्रत्येक परमाणु में कितने ऑक्सीजन कण होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3, कितने होते हैं ऑक्सीजन कण? 3। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई?
68 का आंसर बताना है आपको। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है 2005 में। ठीक है, विश्व में परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश बताना 69 का उत्तर। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भारत में 1952 में। ठीक है, ये भारत है विश्व में परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश और 1952 में ये लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। राष्ट्र नियोजन के लिए परिवार नियोजन की मूल प्रासंगिकता को मान्यता देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई? उत्तर हो जाएगा 2005 में परिवार नियोजन बीमा योजना। किस इकाई में ध्वनि मापी जाती है? 72 का आंसर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसीबल, डेसीबल में। ठीक है, भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? प्रश्न क्रमांक 73 का उत्तर बताना है और राइट आंसर होगा 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रश्न क्रमांक 74, तो राइट आंसर होगा अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, तब आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। शेर की पूंछ वाला मकाऊ किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? शेर की पूंछ वाला मकाऊ, तो वो पाया जाता है दोस्तों नीलगिरी में। कहां पर? नीलगिरी। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो 77 का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर काम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर काम करने वाला, तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? 79, पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1982 में। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार बताना है आपको ग्रीन हाउस जो गैसें हैं इनकी संख्या कितनी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 6। ठीक है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए, तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ? ग्रीन क्लाइमेट एंड फंड सेट करने के लिए, तो आपका राइट आंसर होगा वाली इंडोनेशिया में। पर्यावरण व्यवहारिकता शब्द किसने गढ़ा? तो किसने गढ़ा पर्यावरण व्यवहारिकता शब्द? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है ब्रायन नाटर्न ने। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 84 का आंसर बताना है आपको। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 22 अप्रैल 1970 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन दो घटकों से होता है? तो 85 का आंसर है जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन दो घटकों के से होता है? तो जैविक और अजैविक।
जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। और उत्पादक कहलाते हैं तो कौन कहलाते हैं? पेड़ पौधे, ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक। घास स्थल की खाद्य श्रृंखला पांच स्तर का सही क्रम बताना है आपको। घास स्थल की खाद्य श्रृंखला के जो पांच स्तर हैं वो सही बताना है, तो उनका सही क्रम क्या हो जाएगा? पांच स्तर का घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और मोर, ये घास स्थल की खाद्य श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, गाय, भैंस, बकरी, चूहा, खरगोश, कीट उपभोक्ता की किस श्रेणी में आते हैं? 89 का उत्तर बताना है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रथम उपभोक्ता। नेक्स्ट है, लोमड़ी, भेड़िया और मेंढक, बिल्ली आदि उपभोक्ता की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं द्वितीय उपभोक्ता, है ना। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक के प्रकार हैं, तो अजैविक घटक के जो प्रकार हैं वो कौन है? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक और जलवायवीय, ये अजैविक घटक के प्रकार होते हैं। अगला है, जैव घटकों, प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? जैव घटकों, प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो वो विषय है भूगोल विषय। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं? ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड, ये पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार होते हैं। ऊर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम क्या है? ऊर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम बताना है, और राइट आंसर है उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। स्वयं पोषी घटक के सदस्यों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 95 का उत्तर, स्वयं पोषी घटक के सदस्यों को कहा जाता है उत्पादक। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वो तंत्र कौन सा है? महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान है वो कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी एल एल्टन ने, ठीक है, सी एल्टन। जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, 98 का आंसर, तब आपका बिल्कुल सीधा होता है। जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है बिल्कुल सीधा। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रश्न क्रमांक 99, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। लाइकेन, कवक और शैवाल का संबंध है, ये उदाहरण है, तो किस प्रकार का उदाहरण है? तो वो उदाहरण का एक सहजीविता का, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने 100 प्रश्नों पर चर्चा की, जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रेड 3 के लिए, रीट के लिए और सीटीटी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, ठीक है। यूट्यूब पर सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें और फेसबुक पर सर्च करें सुमित जैन, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन, ठीक है, और टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं IAS स्टडी ट्रे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।